हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 12 बज गया। और अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, और पापा भी आए थे नाश्ता करने, तो पापा को भी नाश्ता करवा दिया है। और अभी हम हो गए हैं तैयार, ये देखिए, और ये पीछे से है अंजू। क्योंकि हम तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा पे गौचर मेले स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम गौचर मेले जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या। आज 15 है तो 14 से स्टार्ट हो जाता है और ये 19 तक रहता है। तो वैसे मतलब तो आपको रहने भी पल पल की खबर वैसे वहां से दिखाएंगे, तो मतलब 20, 21, 22 तक भी रहता है, पर जो पंडाल होता है और जो प्रशासनिक वाला काम होता है वो 19 तक ही रहता है। और अभी हम जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि इस साल क्या क्या है गौचर मेले में। पिछले साल मैंने आपको दिखाया था, तो इस साल पूरे हम मतलब ढंग से दिखाएंगे दिखाएंगे हाँ कि आपको, क्या 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 प्रॉपर क्या हर है। चीजें दिखाएंगे मेले में, क्या क्या आ रखा है कि मतलब। तो ये औद्योगिक मेला है, तो इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें आती है जैसे कि जोशीमठ वगैरह से जो ये खाने वगैरह की चीज़ें और ये कपड़े वगैरह होते हैं जो हाथ से बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ऊन कुछ आती हैं। ऊन ऊन के की चीज़ें या अदर भी जो भी है प्रिंटिंग वाले, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है प्रदर्शनी यहाँ पे देखने के लिए। तो अभी आपको भी दिखाते हैं कि इस बार क्या क्या है। तो अभी चलेंगे, अभी हम हो गए हैं तैयार और फिर मिलेंगे आपसे सीधा मेले में जाके। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि मार्केट में, अभी मिलते हैं आपसे। दोस्तों, हमें भी इनवाइट कर रखा है गौचर मेले में, आपको भी दिखाते हैं। हमें इनविटेशन कार्ड आ रखा है स्पेशली, ये है हमारा इनविटेशन कार्ड जो आज ही हमारे पास पहुंचा है। पापा ने तो दिया अभी पापा ने दिया, तो अभी जाएंगे हम, ये कार्ड आ रखा है, तो हम जाएंगे तीनों। और अभी हम गौचर मेले में पहुंच गए और हम फ्रंट गेट से एंटर हुए हैं। और यहाँ पे जो फील्ड है उसके तीन गेट हैं, एक है बैक साइड वाला और एक है इधर साइड, चरखी लग रहती है उस साइड, और एक फ्रंट गेट। तो तीन गेट हैं और हम बीच वाले गेट से जो मेन गेट है उससे अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे आज हम आए हैं 15 को, 15 नवंबर को। तो यहाँ पे वैसे भीड़ कम रहती है 14, 15, 16 को, उसके बाद ही भीड़ होती है, बहुत कम लोग आते हैं अभी। तो अभी देखो दुकानें भी हल्की फुल्की, कुछ कुछ तो नहीं खुली हुई अभी, कुछ खुली हुई है। तो यहाँ पे हम अंदर आए तो छोटी मोटी दुकानें तो खुल गई है। फिर उसके बाद हम आगे गए तो सीधा यहाँ पे आगे है पंडाल, मतलब जो होता है स्टेज मैन वो। और यहाँ पे मेन जो गौचर मेला होता है वो है औद्योगिक मेला। तो यहाँ पे एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा लगती है प्रदर्शनी, मतलब मेन मेला इसी के लिए ही होता है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आई रहती है, हाथ से बनाई हुई घर की प्योर चीज़ें। तो अभी आप मैं आपको प्रदर्शनी दिखाऊंगी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं। या अभी नॉर्मल दुकानें हैं जो वो लगी हुई है, कम्बल वगैरह, कपड़े वगैरह, बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं। और जो अंकित ने हमें इनविटेशन वाला कार्ड वाली बात करी है, तो वो झूठ था, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक कार्ड दिया हुआ था जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि मेले में किस दिन क्या क्या होने वाला है, सारे प्रोग्राम की लिस्ट थी उसमें। तो पापा ने लोगों को मिली तो पापा लोगों ने हमको दी, तो फिर वही इस लिस्ट थी, वो इनविटेशन वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं स्टेज के आगे। तो ये है स्टेज और यहाँ पे ये फुहारा बहुत सुंदर लगता है। और इस साइड सारा प्रशासनिक है, प्रशासनिक का जो भी ऑफिस वगैरह बनाया है वो बना रखा है। तो पापा लोग भी यहीं पे बैठे रहते हैं। और उसके जस्ट साइड से ही प्रदर्शनी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रंट में यहाँ पे ये वन विभाग का होता है सबसे पहले, ये हर साल ऐसे ही लगा रहता है, पर बहुत ही सुंदर मैसेज देते हैं ये, अच्छा बहुत ही सुंदर लगता है ये। और उसके बाद हम आगे गए तो इससे आगे भी बहुत सुंदर सुंदर एग्जीबिशन थी और ये हर साल लगी थी। तो जो दुकानें होती हैं बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 40-50 तक ले ले, तो उससे ऊपर भी रहती है कभी कभी। तो हमने भी थोड़ा बहुत कवर कौन से ले रही लोकल का थे कखेची टंगड़ी है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा, ये सब लोग अलग अलग होगी कि एक ही होगी? हाँ, इनमें अलग अलग, ये सेंटेड है ना, वैसे है ये भी लोकल। हाँ, अच्छा सेंट है इसमें। अच्छा, और ये लोकल है। कितने की है ये? ये 100 रुपये, 130 स्टिक है। अच्छा अच्छा, ये धूप ये इनकी है, यही है वो एक देखना, एक ले जा। ये भी धूपी है, एक है। हाँ हाँ, कितने
तो बजेंद्र राणा और रेस ने कहा कि बहुत रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे होंगे आज की शाम पे। तो यहाँ पे हम ये अगरबत्ती और धूप ले रहे थे जो जड़ी बूटी से बनी हुई है, और ये बद्रीनाथ से बनाई हुई है इन लोगों ने, और ये ऑनलाइन भी मिल जाती है फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी, इन्होंने हमें ये बताया। तो हमने भी एक दो ले ली थी, तो मैंने मेन मेन दुकानें ही कवर किए जहाँ जहाँ पे मैं गई थी। और यहाँ पे ये हाथ से बनी बुनी हुई चीज़ें भी रखी हुई है, ये है जो भूटिया लोगों का बना रहता है। और यहाँ पे जो ये पूरे कृषि के यंत्र होते हैं जो नए नए आ रखे वो हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है यहाँ पे, खरगोश वगैरह एग्जीबिशन में रहते हैं। और ये है इसकी फ्रूट्स की प्रदर्शनी या सब्जियाँ जिनके वहाँ सबसे बड़ी बड़ी होती है, वो आते पहले हमारे वहाँ से भी जाते थे। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी, मतलब बहुत जो यूनिक होते हैं वो यहाँ पे दी रहती है। और ये ऑर्गेनिक गुलाब जल अचार, मतलब बहुत कुछ रहता है। ये हाथ से ये बनाए हुए हैं बद्रीनाथ वगैरह, सब हाथ से ही बने हुए हैं ये। और अभी कुछ कुछ दुकानें नहीं लगी है, कुछ कुछ लगी हुई है। और ये जो चाय है, बहुत प्रकार की चाय थी यहाँ पे और बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम गए मेन चीज़ में, यहाँ पे इन्होंने जो आरसे होते हैं, खज्जे होते हैं, वो रखे हुए थे। और उसके बाद ये बुनाई वगैरह, ये सब भूटिया लोग हैं जोशीमठ से, टीरी, उत्तरकाशी, ऐसी जगह से आए हुए हैं, और इन्होंने खुद हाथ से ये सब चीज़ें बनाई हुई है। तो गौचर मेले में मेन यही चीज़ें आई रहती है, और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हमने भी दो स्वेटर ली यहाँ पर से, तो काफ़ी अच्छी है, और पहले भी ली हुई थी, तो इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी होती है। और फिर ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर था स्वीट कॉर्न का, तो यहाँ पे मैं जितने टाइम पे भी मेले में गई हूँगी ये खाई मैंने। उसके बाद यहाँ पे से हमने सेब खरीदे थे जोशीमठ से आए हुए थे, तो ये मतलब बहुत ही छोटे थे और इतने रेड रेड थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो और खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठे थे, तो हमने ये लिए बहुत सारे और बहुत टेस्टी हो रहे थे। यहाँ पे हमें पापा भी मिलते, पापा भी यहाँ से खरीद रहे थे। उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे देखो प्रदर्शनी, सॉरी जो स्टेज है वो ये है, पंडाल कहते हैं यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे दिन में थक हार के बैठ जाते हैं जो शॉपिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद ये दुकानें लगी हुई थी बहुत सारी, इसके पीछे भी प्रदर्शनी की दुकानें लगी हुई थी। तो ये नॉर्मल जो आते हैं प्लेट्स वगैरह, इन चीज़ों की दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें थी इन चीज़ों की भी, कम्बल वगैरह बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की भी थी। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ था मेले में, बट मैं थोड़ा थोड़ा ही कवर कर पाई इन चीज़ों को, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतने किया, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वाली। और जो ये चीज़ें बनी हुई है ये हाथ से बनी हुई है, प्योर ऊन की है। और ये देखो दन्ने वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें थी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली। और पर प्राइस थोड़ा महंगा होता है इन चीज़ का, क्योंकि इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। और फिर गए हम यहाँ पे जूस कॉर्नर पर, ये भी हाथ से बने, मतलब घर के प्योर थे तो हमने जूस पिया। और उसके बाद हम गए इन अंकल की दुकान में, जिनके वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी हाथ से बनी हुई, रिंगाल वगैरह से जी। रिंगाल होता है ऊपर साइड पे जोशीमठ साइड को, तो ये देखें उनके बनते हैं, ये कितने सुंदर सुंदर बना रखे हैं। हाँ खोई खोली का डिज़ाइन है, सारे जोशीमठ मल्लारी के हैं। अभी नहीं पीना बोल, हम जूस ये देखो ना, ये भी दशोली के हैं। सारे उद्योग विभाग वाले हैं।
कहाँ गए सुन हवाई पट्टी गौचर का है ना ये है ना कहाँ का है गौचर का है रेलवे सुरंग ये देखा ये रेलवे सुरंग है यहाँ देख और फिर यहाँ पे आर्मी का भी बहुत सुंदर एग्जीबिशन लगा हुआ था और 18 को आर्मी का काफ़ी सुंदर एक प्रोग्राम होता है वो भी होता है यहाँ पे 18 को और आगे भी ऐसी बहुत कुछ चीज़ें थी जैसे जरा इधर इधर को पौधे इधर को देखो मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ मैं थोड़ा बहुत ही अब लो ना तुम वहाँ लेते और यहाँ पे हम चले गए जहाँ पे मैंने खरीदारी करने कभी के लिए टैडी देख रहे थे तो हम वहाँ पर बहुत महंगा आ रहे हैं दूसरी दुकान हो गई थी यहाँ पर सुंदर सुंदर थे हमारे ड्राउन वाला तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उन्होंने ठीक ठाक मिले था मेला में तो हम यहाँ पे चले थे यहाँ पर और भी बहुत सुंदर सुंदर टैडी थे पर हम ब्राउन कलर का लेके गए उसके बाद ये यहाँ की चरखियाँ लगी हुई थी बहुत सारी चरखियाँ थी बड़ी छोटी मैं तो इन चरखे में बैठती नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पर अंकित अंजू इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये लोग बैठते हैं बट मैं नहीं बैठी तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है इधर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये यहाँ पे खा रहे हैं चिकन बिरयानी और एक ये भी है जो ज़बरदस्ती खा रही है चिकन बिरयानी वो हैदराबादी वाले और इनकी जी जो जब से इधर आए चिकन बिरयानी ये रही इनकी चिकन बिरयानी इतना मज़ा आ रहा है और इनको बहुत मज़ा आ रही है इनका तो मुंह अभी अच्छा नहीं है क्या पता खा के बने ओ इनका तो खा के ऐसा हुआ और इनका तो बहुत अच्छा लगा है उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और फिर हो गई थी बहुत शाम तो देखो लाइटें भी चल गई है पीछे तो हम यहाँ पे आए पापा की गाड़ी में और पापा की गाड़ी से सामान निकाला क्योंकि हमने बहुत सारा सामान छोटा मोटा लिया हुआ था तो वो हमने सब गाड़ी में रख दिया था क्योंकि बहुत भारी हो रहा था तो हमने ये निकाल के फिर उसके बाद हम सीधा निकल गए घर को और हमें फिर मिला यहाँ पे एक मेहंदी वाला तो फिर अंजू ने बोला कि मैं मेहंदी लगाती हूँ तो यहाँ पे हमने मेहंदी लगवाई तो हमें लगा कि जैसे बचपन में बहुत सुंदर डिज़ाइन होता था ना वो बनाएंगे बट इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया बहुत ज़्यादा घटिया सा बनाया उसका कलर भी कुछ अच्छे से नहीं आ रखा था तो चलो कोई नहीं पैसे वेस्ट हुए उसके बाद हम सीधा पहुँचे घर और यहाँ पे हमारी कुकी वेट कर रही थी तो हम उसको उसके लिए टैडी लेके आए थे तो हम देख रहे थे वो कैसा रिएक्ट करेगी तो मैं उसको चिढ़ा रही थी कि मैं नया डॉगी लेके आई हूँ तो जैसे मैंने नीचे पे रखा तो उसका पूरा ध्यान डॉगी पे चले गया जब मैं गेट खोलती तो सबसे पहले मेरे पास आती है बट वो इस टाइम पे इसी के पास गई और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा खेलती है इससे तो दोस्तों मैं वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी और ये वीडियो बहुत लेट आ रही है तो इसके लिए सॉरी और मैं टाइम पे नहीं अपलोड कर पाई वीडियो को तो फिर मैं आगे थोड़ा बहुत कुछ और क्लिप है मेले की तो मैं वो आपको दिखाऊंगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए बाय बाय।